देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये पहाड़ है, अष्टविनायक के दर्शन है, अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड। सो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SPT व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आ चुका हूँ आपसे गुजरात अहमदाबाद, और एक दिन का यहाँ रेस्ट है, मतलब एक दिन रुका हूँ मैं। कल यहाँ से आगे एक अपना सफर स्टार्ट करूँगा। तो अभी यहाँ पे एक मंदिर है, सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, तो वहाँ जाके आ रहा हूँ। वो देख रहा हूँ, यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है नारोल से, तो वहाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और बच्चा पार्टी भी जा रही है अपने साथ में। और अपनी साइकिल में मैंने कल थोड़ा सा काम करवाया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या काम कराया। थोड़ा बहुत कुछ सामान लगवाया है उसमें, क्या सामान ज़्यादा हो रहा है, अब आगे ठंड भी मिलेगी मेरे को, तो उसकी वजह से मेरे को सामान लगवाना पड़ा। वैसे तो साइकिल में सारा कुछ था, तो इस साइकिल में मैंने आगे की तरफ है ना कैरियर लगवाया, आगे की तरफ ज़रूरत थी क्योंकि पीछे सामान ज़्यादा हो जाता है, एक साथ बांधता हूँ ना तो साइकिल गिरने का डर रहता है। क्या करा रहे, पटक सी साइकिल ना, तो आगे तू बैठ जाइयो, पीछे बहन बैठ जाएगी और मैं चलाता रहूँगा, ठीक है ना। हैं, आगे बैठ जाइए तू, उड़ाता वाले जाऊँगा। तो भाई, जाने वाले सदस्य हैं चार, बाइक है एक, एक बाइक से चार जने जा रहे हैं, एक आगे बैठी है, एक बीच में बैठा है और एक पीछे, और बीच में सबसे मैं हूँ। तो चलते हैं, रास्ते में अगर थोड़ा बहुत शूट कर पाए तो नदी वगैरह आएगी तो वहाँ के व्यू दिखाएंगे आपको। बाकी चार जने एक बाइक से जा रहे हैं, गल तो है बट हेलमेट पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से जाएंगे। क्या करें यार, व्हीकल नहीं है तो इसी जा रहे हैं, साइकिल ये लेके जा रहे हैं। रामपेरी ले चलें, चलोगे रामपेरी को? पक्का? ये तो चलेगा, वो नहीं चलेगी। चलो ठीक है जी, ले पकड़ ले फोन। तो भाई, पहुंच गए हैं मैं अहमदाबाद मंदिर तक, और मंदिर आगे की तरफ है, इधर पार्किंग बनी हुई है, जूता चप्पल रखने की जगह बनी हुई है। तो भाई, भीड़ बहुत आई हुई है, संडे है ना, तो पूरा अहमदाबाद में अहमदाबाद सारा उठ के आ चुका है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। उस तरफ है भाई पार्किंग, सामने की तरफ अपने को इधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं बच्चे भागे भागे। तो भाई, यहाँ पे सामने की तरफ मिलता है प्रसाद, यहाँ से प्रसाद लेके जाएँ और फूल वगैरह चढ़ाने तो यहाँ से लेके जाएँ। बाकी लाइन लगी हुई है सामने यार, अभी अपने को लाइन में भी लगना है, तो प्रसाद ले लेते हैं फिर लगते हैं लाइन में। प्रतिभा गई हुई है, वो खड़ी लाइन में। भाई मंदिर इतनी दूर है सामने, और लाइन क्या लंबी लाइन लगी है, देखो सामने की तरफ, मतलब पूरी पीछे तक लाइन लगी है। हम वहाँ से पीछे से लेके यहाँ सामने तक तो आ गए, बट अभी भी आगे तक पूरी लाइन लगी है। और यहाँ से यार मंदिर मतलब देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, फंवारे वगैरह लगाए हुए हैं, इस तरह से मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई है। इधर आगे हाथी जी की मूर्ति थी, यहाँ पर मूसक जी की है, और सामने बप्पा बैठे हैं अपने, तो वहाँ भी जाएंगे। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम लगेगा तो लाइन में लग जाते हैं, वरना पीछे रह जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे। तो भाई, अभी ऊपर की तरफ जाना है, मंदिर जो है वो ऊपर की तरफ है, सीढ़ियाँ जा रही है, और ये पहाड़ है या फिर बनाया गया है कुछ, मेरे को पता नहीं है, आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल पहाड़ी होना चाहिए, लग तो पहाड़ जैसे रहा है। बाकी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही है, वहाँ तक भीड़ अभी लगी है, बस आगे की तरफ ही है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं अभी। यहाँ पे मूसक जी के कान में ना विश मांगी जाती है, वो मनोकामना पूरी होती है, तो सभी जुमे पड़े हैं, गणेश जी को घर ही लेके जाएंगे मेरे को लग रहा है आज तो। तो भाई हो गए पप्पा के दर्शन बढ़िया वाले, और कभी भीड़ थी बट आराम से इजीली दर्शन हो गए, विश भी मांग के आ गए, ये तो साथ में उठा के लेके आ रहा था, अभी मूसक को लिया था उठा के। बाकी अभी चलते हैं नीचे, झूले वगैरह भी हैं वो भी दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पे हो रहा है हवन सामने की तरफ, और माँ शिवलिंग का दर्शन है, ये शिवलिंग है सामने की तरफ जो कि पूरा बनाया गया है रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष की जो माला होती है उससे पूरा बनाया गया शिवलिंग। तो भाई जी यहाँ नीचे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे अष्टविनायक के दर्शन है, और सबसे पहले जो दर्शन है अफगानिस्तान के जो गणेश जी हैं उनके, और कहाँ पे कौन सी जगह पे अफगानिस्तान में वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। गोडेज अफगानिस्तान में जगह का नाम है जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान का दिखाया गया है, आगे की तरफ दिखा रखा है उस तरफ नेपाल का भी है और थाईलैंड का भी नाम लिखा हुआ है।
तो जहाँ जहाँ पे जो गणेश जी के मंदिर हैं, इस तरफ है इंडोनेशिया के भगवान गणेश जी, ये सारा लिखा हुआ है गुजराती में भी इंग्लिश में भी, तो ये सारे दर्शन करके जाएं यहाँ पे आए तो आप। उधर नेपाल, उस तरफ थाईलैंड। यहाँ पे तराजू लगा हुआ है, इसमें अपना इन्होंने बच्चा रखा, मतलब अपनी जिसकी जितनी क्षमता होती है ना उस हिसाब से, तो इन्होंने गुड़ से वेट कराया अपने बच्चे का, जितना भी गुड़ ले यहाँ से ख़रीदा है और रख दिया इधर। और गाइस जो बच्चे का वज़न कराया जाता है वो लास्ट में यहाँ पे दान दिया जाता है, तो इन्होंने गुड़ दान दिया है अपने बच्चे के वेट के हिसाब से। तो भाई ये था पूरा मंदिर, आपको दर्शन कराया। मंदिर तो ऊपर की तरफ था, अभी हम नीचे आ चुके हैं। तीन फ्लोर बने हुए हैं, बीच वाले में थे अष्टविनायक जिनके आपको मैंने दर्शन करवा दिए, नीचे वाले में ये तुला दान कक्ष है, और ऊपर वाले में मेन गणेश जी का मंदिर था। हम भाई चले, हो गए दर्शन पक्का, चलो आ जाओ भाई। बाहर की तरफ बने हुए हैं खाने पीने की दुकानें काफ़ी सारी, बट हम यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ खाएंगे तो लुट के चले जाएंगे, तो जो खा रहे हैं उनको खाने देते हैं। हम चलते हैं बाहर की तरफ, सामने झूले लगे हुए और हाथी भी है ना बाहर, आवाज़ आ रही थी ना, आवाज़ तो आ रही थी हमें, ये देखा भी आवाज़ आई, तो मे भी होना चाहिए, हाथी भी देखने को मिलेगा। तो भाई जो हाथी की आवाज़ आ रही थी ना, वो हाथी नहीं थे, ये बना हुआ है सामने झरना टाइप बना रखा है जिसमें काफ़ी सारे हाथी बनाए हुए हैं। तो ये व्यू है यहाँ का, मस्त लग रहा है यार, बड़ा ही ज़बरदस्त, लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। सामने एक तरफ झूले हैं, वो गणेश तो भग्या, वो देखो वो रहा झूला झूलने के लिए, वो जा रहा। तो जो झूले हैं वो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, छोटे झूले नहीं हैं, बड़े झूले नहीं हैं, तो बच्चों को झूलने के लिए काफ़ी सारे झूले हैं। टिकट प्राइस 100 रुपये टिकट लिखा हुआ है, 30 रुपये भी लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग रेट हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो भाई झूले लगे तो हैं बट झूल नहीं रहे हैं, बच्चों के यार क्या झूलवाएंगे, रोज़ रोज़ झूले झूले झूले। बाइक से आएँ तो बोल दिया भाई, बाइक से आएँ तो बाइक पर झूले हो ही गए, तो ये छोटे मोटे झूले हैं, 30 रुपये 40 रुपये इनके रेट हैं, 4-5 झूले, ज़्यादा झूले भी नहीं है। प्यास के हमारे लड़की का खराब हो चुका है, तो पानी पीते हैं। अंदर पानी की यार व्यवस्था थी एक दो जगह, बट इन्होंने पिया नहीं, अभी प्यास के हमारे बुरा हाल है, बाहर की तरफ नहीं है पानी, बोतल लेनी पड़ेगी। तो भाई भूख भी लग रही थी, पानी भी ले लिया, पानी पी लिया, अभी लिया चना गरम, मतलब पापड़ी टाइप है। किसके पैसों से? तेरे पैसों से दिए, किसने थे तेरे को? मैंने तो दिए थे, मेरे जेब से तो लिए थे। इतना झूठ नहीं, सच। ओहो जोर लगा देगा, और जोर लगा, तू तो खा गया, सुन तू तो खा गया, अब तेरे को हम हमारे में से देंगे नहीं, ठीक है ना? मेरे को भी लूट रहे हैं भाई। नहीं खा लेता हूँ मैं, वीडियो के चक्कर में खा जाएंगे। पापड़ी जैसा कुछ था, वो खाया भाई, अच्छा लगा, मस्त था। अभी बाइक लेने आए, जो यहाँ पे पार्किंग है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है बाइक के, गाड़ी के, किसी के चार्ज नहीं है। हाँ भाई तेरे पैसों से खाया, इसके पैसों से खाएगा, इस गणेश के पैसों से हमने आज खाया है, और ये अगले 10 दिन तक हमें बताता रहेगा क्या करें, गलती होगी तेरे को वापसी खिला देंगे रास्ते में, ठीक है? ठीक है, आप खुश है? अभी मेरे पैसे से मैं खाऊंगा, पक्की बात है? हाँ। भाई यही खिलाएगा, आज पूरे दिन यही खिलाने वाला है, घुमाने में लेके आया था, खिलाने के लिए आया है मेरे साथ में। चले बाइक तू चलाएगा अभी? हाँ। मैं पीछे बैठूंगा आराम से। ये देखो इतने सारे पैसे लेके आया, हमें खिलाएगा, क्या बात है, थैंक यू। अरे तो अकेला तो नहीं खाएगा ना, हमें खिलाएगा साथ में? निशा तो नहीं खिलाएगा। किसको? निशा। अच्छा तो भाई चलिए जी, दर्शन हो गए गणपति बप्पा के, बप्पा रक्षा करना। और भाई ये जो मंदिर है मेमनाबाद में है मंदिर, अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर नारोल से दूर है, तो दर्शन हो गए अच्छे वाले, बढ़िया से दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं घर की तरफ वापसी। गणपति बप्पा मौर्या।